जो आज के डेबेट हम करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, हेनरिक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जितने भी हमारे देखो साइंटिस्ट हैं, चाहे मैं आपकी बात करूं आइंस्टाइन की, चाहे मैं आपकी बात करूं रदरफोर्ड की, चाहे मैं आपसे बात करूं नील्स बोर की, चाहे बात करूं डेल्टन की, चाहे मैं आपसे बात करूं न्यूटन, सबके सबने पढ़ाइयों को मुश्किल बनाए। बार बार कुछ सालों के अंतराल में थ्योरी देते रहे। थ्योरी उन्होंने दी और बेटा पढ़ने हमें पड़ गई, उसी थ्योरी का एक पार्ट है ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो हुआ क्या इसमें, इन्होंने कहा सबसे पहले इस एपरेटस को समझे क्या हुआ इसमें। देखो एक मेटल प्लेट है मेरे भाई, वो एक चैम्बर के अंदर है। अब सवाल पहला ये होना चाहिए कि सर मेटल प्लेट किस चीज़ की बनी है। मेटल प्लेट बनी होती है बेटा या लिथियम की, या सोडियम की, या फिर पोटेशियम की। इन तीन इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लिया गया बेटा, क्योंकि इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत कम होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बहुत कम होती है। अब आप देखो करा क्या इन्होंने, यहाँ से लाइट इसके ऊपर गिराई मेटल प्लेट के ऊपर, जो कि इनमें से किसी एक की बनी होगी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रखा है, डिटेक्टर काम है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उनको ये डिटेक्ट करके बताए कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गए। अब आपको ये भी पता होगा यार, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बैटरी लगाई रखी है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बैटरी के साथ, तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। करंट नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, एमीटर। बहुत छोटा करंट नापना हो तो होता है गैल्वेनोमीटर, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, और सिंपली करंट नापना हो तो होता है एमीटर, ठीक है। अच्छा इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा, इसको पॉजिटिव से, है ना, ये इलेक्ट्रोड हमारे, ठीक है। अब हुआ क्या कि दिनों ने देखा कि जब इन्होंने लाइट डाली, व्हेन अ लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिट। हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं हुए, पहली बार लाइट डाल के देखी होगी, देखा इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुए, दूसरी लाइट डाली नहीं हुए, कई बार लाइट डाली होगी तब इन्होंने देखा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा, जिसको न्यू नोड से नोड करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पे हमारे जो है इलेक्ट्रॉन जो है इससे एमिट होने लग गए। तो आपसे सबसे पहले सवाल आएगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू एमिट इस कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली यही तो है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल प्लेट व्हेन अ लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, कि मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का निकलना जब लाइट सुइटेबल, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं, मैंने बार बार बता रहा हूँ, जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, एक लिमिट होगी, एक रेंज होगी, भाई पहले आपने कम फ्रीक्वेंसी के डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट, फिर दोबारा फिर बढ़ाते गए, फिर देखा एक पर्टिकुलर रेंज पे इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगा, आपने कहा यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और हमारा करंट बेटा प्रोड्यूस हो जाएगा पूरे सर्किट में, यही हमारा फोटोइलेक्ट्रिक।